स्पीच टू टेक्स्ट जो है वो क्या चीज होती है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अपनी ऑडियो वीडियो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने कोर्स ट्यूटोरियल शेयर कर रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि हर बंदा वो आपकी साउंड समझ सकता हो, चीज़ कर को आपको अंडरस्टैंड कर सकता हो। बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट तरह के लोग हो सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको टेक्स्ट भी आए, हर तरह का व्यूअर आपकी चीज़ को समझ सके। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कैमटेसिया स्टूडियो 8 में क्या, मोर में जाएँ और यहाँ पे आप कैप्शंस में जाएँ। कैप्शंस एक ऐसी चीज़ है जो हम पूरे थ्रू आउट नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्पीच टू टेक्स्ट। स्पीच टू टेक्स्ट पर जो मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे आएगा सिलेक्टेड मीडिया, मैंने ये किया, और उसके बाद वो स्पीच टू टेक्स्ट में सबसे पहले मेरे साथ सबसे पहले ट्रेनिंग मांगेगा कंप्यूटर की, योर वॉइस ट्रेनिंग, कि आप अपने कंप्यूटर को ट्रेन करेंगे वो आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सके। मैंने स्टार्ट योर वॉइस ट्रेनिंग स्टार्ट की, स्टार्ट वॉइस ट्रेनिंग। जो ही ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, इस ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा, ये देखिए वेलकम नोट आया, इसको मैंने नेक्स्ट किया। इसमें बेसिकली जो भी डायलॉग्स लिखे होंगे वो मुझे बोलने होंगे ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। आई एम नाउ स्पीकिंग टू माई कंप्यूटर, आई एम नाउ स्पीकिंग टू माई कंप्यूटर। स्पीच रिकग्नाइजेशन कैन रिकग्नाइज मैनी स्पीकर्स वेरी एक्यूरेटली। सो ये मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें डिफरेंट की हैं, और अगर वो रिकग्नाइज कर लेगा, ट्रेन हो जाएगा, तो ये आपके कंप्यूटर पे यहाँ पे जो है वो ग्रीन हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। इसलिए मैं तो ये देखें, अब ये ट्रेन हो गया कंप्यूटर, तो ये एक सीक्वेंस ऐसा ही है जो चलता रहेगा। सो अगर अब मैं कंटिन्यू करूँ, उसके बाद अपने माइक्रोफोन को देखूँ, उसके बाद कंटिन्यू कर दूँ अगर, तो लेट्स सी फिर हम फर्दर इसके साथ क्या कर सकते हैं। ये कंटिन्यू हुआ, अब ये मेरी जो स्पीच टू टेक्स्ट है वो सारी की सारी जो मेरे इसके अंदर स्पीच होगी वो उसको स्पीच टू टेक्स्ट को मैंने यहाँ जब क्लिक किया एंटर टाइमलाइन, सो दैट ये मैंने कंटिन्यू किया, प्रिपेयरिंग हो रही है। और ये इस तरीके से मेरे जो सारे का सारा जो ऑडियो इसमें थी सारी की सारी वो उसमें कन्वर्ट कर देगा वर्ड्स में, क्योंकि ये जो मेरी स्पीच टू टेक्स्ट था ये मेरे बेसिकली जो मैंने इसमें जितना टेक्स्ट यूज़ किया, जो वॉइस में जितनी बातें यूज़ की हैं वो सारी इंग्लिश में है, नहीं है उर्दू लैंग्वेज में है, इस वजह से वो उर्दू लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश ही होगा, इस वजह से उसने उसको वहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया।